हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, मटन कीमा, जो घर पर बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ एक न्यू रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले ले लिया है कीमा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए इसको साइड पर कर देते हैं और इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। मैंने इसमें लिया है 2 चॉप्ड अनियन और इधर मैंने ले लिया है टमाटो प्यूरी, जिसको मैंने घर पर ही बनाया है, विद 3 टमाटोस। और ये मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट विद ग्रीन चिली। और ये मैंने ले लिया है खड़े मसाले, जिसमें 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, कुछ काली मिर्च और कुछ लौंग के टुकड़े। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। इधर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं एज़ यू विश। और इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं खड़े मसाले, जैसे ही वो चटकने लगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपने अनियन और इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमारी प्याज जल्दी हो जाए रेड, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, जिससे अनियन जल्दी से रेड हो जाएगी, जल्दी से पक जाएगी, मॉइस्चर इसका निकल जाएगा। देखिए निकल चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल स्प्रेड हो गया है मसाले से। तो अब इस फाइनली हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना कीमा। मटन कीमा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अभी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटो प्यूरी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। सो फ्रेंड्स, अब इसमें हम अपने मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो भी ऐड कर देते हैं, रेड चिली पाउडर। मैं इसमें बहुत ही जो यूनिक से मसाले होते हैं वही ऐड कर रही हूँ, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और करिएंडर पाउडर विद सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो मैंने इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए हैं, इन मसालों से ही हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हम अपने कीमे को कवर करके रख देते हैं जब तक वो पानी ना छोड़ने लगे। ये देखिए पानी छोड़ दिया हमारे कीमे ने, इसको हम अच्छे से कसा लेंगे। जैसे ही कसकर रेडी होता है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पोटैटोस, ये ऑप्शनल है, आप पोटैटोस डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। इधर मैंने ले लिए 2 पोटैटोस, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उतना पानी डाल दूँगी जितना मुझे चाहिए। आप इसको सूखा भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा कीमा बनकर रेडी है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं, इसको आप राइस के साथ या फिर पाव के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।